इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया। अब सूर्य मिशन आदित्य L1 की बारी है। आदित्य L1 मिशन का मकसद सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है, यानी साफ है इसरो अब यही नहीं रुकने वाला। चांद पर फतह के बाद अब सूर्य मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक पेलोड भी साथ लेकर जाएगा। स्पेसक्राफ्ट के पेलोड यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का अध्ययन करेंगे। क्रोमोस्फीयर पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। इसरो का ये सोलर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी कि सूर्य के बाहरी भाग की बनावट, तापमान प्रक्रिया और सौर्य तूफान की उत्पत्ति, इसके साथ ही कोरोना के साथ ही सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन यानी कि L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन यानी कि L1 पॉइंट तक पहुँचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। दरअसल L1 यानी कि लैग्रेंजियन पॉइंट को वो पॉइंट है जहां ऑब्जेक्ट यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक इस मिशन को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1, 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, इसके बाद अब 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन होगा। नासा के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मीला पात्रा ने आगामी सूर्य मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस मिशन के नाम के प्रयोग किए गए L1 का मतलब समझाते हुए इसके नाम के पीछे का उद्देश्य भी बताया। अगला जो मिशन आ रहा है वो आदित्य L1 मिशन के नाम पे है। आदित्य जो आप जानते हैं, आदित्य वर्ड का मीनिंग ही है सूर्य, तो ये सन ऑब्जर्वेशन या सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए आदित्य L1 मिशन अभी सितंबर 2 को लॉन्च होगा। L1 का नाम इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिशन का नाम पहले आदित्य ही था, तो अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफ़ी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है, तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से, तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन का L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा नहीं। सोलर मिशन का यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये पहले तो इतना दूर जाएगा, चंद्रमा तो हमारे पास था, मार्स भी पास है, ये अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाने की कोशिश करेगा। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है। और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो ये चैलेंजेस है। यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं, और इसमें काफ़ी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। सोलर ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सारे मिशन्स गए हैं। अभी रिसेंटली पार्कर मिशन भी गया था जो नासा का, जो काफ़ी सक्सेस रहा है। लेकिन इंडिया तो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारे टेक्नोलॉजी में हमारा ये कैपेबिलिटी है कि हम जो ऑब्जर्वेशन मुश्किल है या जो टेक्नोलॉजी मुश्किल है, L1 पोजीशन में जाना मुश्किल है। और ये प्लानिंग भी हम दिखा रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन किया है लोकेशन का, जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हम ये टेक्नोलॉजी प्रूव करना चाहते हैं। और ये इंडिया का पहला ही सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। एस्ट्रोसैट करके एक मिशन गया था जो
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस काफी सक्सेसफुली हमारे पास आया है, तो ये अगला मिशन आएगा जो ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहा है। इसका ऑर्बिट जो है या इस लोकेशन में पहुंचने का काफी सारे स्टेप्स लगेंगे। पहले तो ये अर्थ से निकलकर चार पांच ऑर्बिट्स लगाएगा जो अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करेगा, और एलिप्टिक जो एलिप्स का साइज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और फिर इससे जाके वो L1 की तरफ जाना शुरू करेगा, और वहां पे पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। और वहां पे जाके भी एक स्पेशल ऑर्बिट आएगा जिसका नाम हेलो ऑर्बिट है, तो वो L1 के सेंटर करके उसके चारों ओर घूमता रहेगा, लेकिन ये जाना ही मुश्किल है और 4 महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। सूर्य के विषय में काफी सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे, एक तो सन के सारे लेयर्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। आजकल ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो सोलर वेदर और सीएमई करके है, जो कोरोनल मास इजेक्शन, जो थोड़े फ्लेयर्स निकलते हैं सन के प्लाज्मा से, तो उसमें ना हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम्स ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ये काफी साइंटिस्ट को चिंता रहता है। तो ये नॉट ओनली हम सोलर प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे, एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो, तो ये हम काफी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे ओवर टाइम, तो हम देख पाएंगे कि कैसे चेंज होता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है, तो उससे हमको काफी नॉलेज मिलेगा जो अर्थ को भी प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। इसका बैड इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, ये सक्सेसफुल रहा तो हमको ये सारे नॉलेज हम गेन करेंगे, जिससे हम फिर साइंटिस्ट देख पाएंगे टेक्नोलॉजी में क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे हमें ये प्रोटेक्शंस मिल पाए सन से, क्योंकि सन भी इवॉल्व, मतलब सन का सोलर साइकिल भी बदलता है, इजेक्शंस जो निकलते हैं वो भी बदलता है, तो हमको समझ में आना चाहिए ये, ताकि हम अर्थ के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ये काफी वेट ले सकता है, पीएसएलवी और जीएसएलवी दोनों काफी वेट ले सकता है। और इसरो क्या कर रहा है कि जैसे नासा जो रॉकेट भेजता है वो ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसरो क्या कर रहा है कि काफी लो बजट में हम सब कर रहे हैं, वो हमारा प्राइड है कि हम इतने लो बजट में मैनेज कर रहे हैं, तो इनका ये स्ट्रैटेजी है कि कितने भी दिन लगे इसके लोकेशन में पहुंचने में वो कुछ आ नहीं जाता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तभी शुरू होगा जब पहुंचेगा, तो अगर हमारा थोड़ा लो पावर भी हो फिर अर्थ के ग्रेविटी यूज करके हम ये इस उपाय से जाते हैं कि मल्टीपल अर्थ ऑर्बिट करके फिर निकलते हैं, तो इसलिए पीएसएलवी यूज हो सकता है इतने पावरफुल मिशन के लिए।